हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और सीटेट का फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा जिससे कि आप गलत फॉर्म फिल ना करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वहाँ पर अपना डाउट क्लियर करें। मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ एंड देन अपना फॉर्म को कंप्लीट करें। ओके, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म गलत कर लेते हैं तो आप फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सोचते हैं। हालांकि करेक्शन की डेट आती है लेकिन उसका फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि वो एकदम फिर लास्ट में होती है। लेकिन कुछ चीज़ें आप करेक्ट नहीं भी कर सकते हैं, तो इसीलिए फॉर्म को एक बार नहीं दो बार आराम से पूरा चेक करके उसके बाद में ही फाइनल सबमिट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको seated.nic.in पे जाना है। और एक बात है यहाँ पे कि जो फॉर्म आप सबसे पहले फिल करेंगे, ठीक है, तो आपको सेंटर भी पहले ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप फॉर्म बाद में फिल करेंगे तो सेंटर आपको जो है कहीं और मिलेगा, क्योंकि सारे सेंटर जो हैं वो फिल हो जाते हैं। तो इसीलिए फॉर्म को जल्द से जल्द भरें, आज से ही भरना स्टार्ट कर दें और आज अपना फॉर्म कम्प्लीट करके आराम से अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको seated.nic.in की वेबसाइट पे जाना है। जाने के बाद में आपको ऐसा फेस खुल के आएगा और यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर सीडेट के लिए क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे अप्लाई फॉर सीडेट के लिए एक बार और आना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आप डायरेक्ट जो है पेज पे पहुँच जाएंगे सीडेट के इस पेज पे। यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ आएंगे और नीचे की तरफ आपको ये ब्लू जो टिक दिया हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ पे टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल भरनी, जैसे कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर आइडेंटिटी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। कोशिश करिए कि आप अपना परमानेंट एड्रेस ही दोनों जगह डालें। डालने के बाद में आपको नीचे एक पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पे जो ये अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन जो क्रिएट करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन ये रहता है कि मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे आप अपने पासवर्ड को रिकवर करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे और पिन डालने के बाद में आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा फेस खुल के आएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या जो आपकी जो नीचे डिटेल्स दी गई हैं क्या वो आपकी सही हैं। अगर आपकी सही हैं तो आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज करने के बाद में माय नेम, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने जो ऊपर अपनी डिटेल्स फिल की हैं क्या वो आपकी सही हैं। तो यहाँ पे हम अपने सभी जो ऑप्शंस हैं इन पे हम टिक लगा लेंगे क्योंकि हमारी जो सारी डिटेल्स हैं वो सही हैं। ओके, इतना करने के बाद में हम नीचे आई एग्री पे आकर के यहाँ पे भी टिक कर देंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करना है। और अगर आपका ओटीपी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे रीसेंट ओटीपी पे दोबारा आप क्लिक करेंगे और आपको दोबारा ओटीपी मिल जाएगा। ओटीपी मिलने के बाद में आपको यहाँ पे फिल करना है अपने ओटीपी को, और फिल करने के बाद में यहाँ पे हमको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल पे पहुंच जाएगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उसके बाद में आपके सामने एक ऐसा फेस खुल गया आएगा जिसमें आपके सामने यहाँ पे एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर, वेरीफाई ईमेल आईडी कर लीजिए तो अभी कर लीजिए या फिर सबसे बाद में कर लीजिए। तो चलिए हम अभी से कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हम फिर यहाँ पे अपने सिक्योरिटी पिन डालेंगे। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में नीचे जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हम आपके पास जो है आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा। और ओटीपी आने के बाद में यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपकी सही नहीं है तो यहाँ पे चेंज ईमेल आईडी पे आप क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी ईमेल आईडी चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। हमारी जो ईमेल आईडी है उस पे एक मेल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी पिन मैच्ड, प्लीज़ चेक ओ टी पी सेंट ऑन योर ईमेल। ओके, आपका जो ओ टी पी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमको अपनी ईमेल आई डी पे जाना है, वहाँ पे जो ओ टी पी आया है वो यहाँ पे हम क्लिक करके अपना नीचे जो है वो वेरीफाई कर देंगे। ओ टी पी डाल दिया है, ओ टी पी डालने के बाद में हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो आपकी ईमेल आई डी वेरीफाई हो गई है। अब करने के बाद में आप चाहें तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जो आपका पासवर्ड है वो आपको सेव कर लेगा। बट अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे इसको ऊपर जो है कट कर सकते हैं। ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब जो रेस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और जो फीस पेमेंट है, इन दोनों स्टेप्स को हमको पूरा करना है। इन दोनों स्टेप्स को पूरा करने के बाद के लिए हम यहाँ नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में यहाँ पर हम कम्प्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम पर्सनल डिटेल पे जाएंगे।
यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जो अभी नहीं फिल की, जैसे कि नेशनैलिटी हो गई, कैटेगरी हो गई, ठीक है, और PWBD हो गया, NPWD हो गया, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस हो गया, और इतना करने के बाद में सिक्योरिटी पिन डाल करके हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट हम जब क्लिक करने के बाद में इस फेज़ पे जब आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको संभल के फॉर्म फिल करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने गलती करी तो ये मान के चलिए फिर आपको करेक्शन की डेट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्म करेक्ट तो हो जाता है, यहाँ पे ये जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट हो जाती हैं, बट जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपके करेक्ट नहीं होती हैं, उनका करेक्शन नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम पेपर वन और पेपर टू किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप वन और टू दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो, लेकिन अगर आप पेपर वन के लिए या पेपर टू के लिए सिर्फ सिंगल पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करते हैं कि पेपर वन एंड पेपर टू दोनों अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका पेपर वन अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो गया है तो आप पेपर वन मत अप्लाई करें, पेपर टू ही अप्लाई करें। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि 200 रुपये की बात है, चलो हम दोनों पेपर अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, थोड़ा सा बर्डन पड़ता है, बर्डन ये पड़ता है कि हमको फिर दोनों पढ़ने पड़ते हैं। देखिए, जूनियर का जो लेवल है वो प्राइमरी से बहुत ही अलग है। ओके, तो इसीलिए अगर आप जूनियर में पास नहीं हैं तो सिर्फ जूनियर का ही फॉर्म फिल करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके प्राइमरी में नंबर अच्छे आएँ, नंबर बढ़ जाएँ, तो आप दोनों फॉर्म फिल करके अपने दोनों एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपना दोनों फॉर्म फिल कर लेंगे। ओके, दोनों फॉर्म फिल करने के बाद में यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहली लैंग्वेज हिंदी फिल करते हैं एंड लैंग्वेज सेकंड में हम इंग्लिश फिल कर लेते हैं। आप चाहे तो संस्कृत भी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे संभल के, अब हमको बहुत ही थोड़ा सा स्टेप जो संभल के यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टू फाइव है प्राइमरी के लिए, यहाँ पे कौन सी डिटेल आपकी जो एजुकेशनल डिटेल हैं वो आपकी कौन सी फिल होनी है, ये चीज़ ध्यान से आपको फिल करना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे नंबर वन जो है, यहाँ पे हमको उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास इन अपीयरिंग फाइनल ईयर, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका 12 होना चाहिए और आप डीएलएड किए हों तो आप नंबर एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे अब देखिए, सिंपल सी बात है, जब 11 अगस्त को रिजल्ट आया, उसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो उसके बाद में बीएड वाले तो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं, तो जो डीएड वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सिंगल अपना जो है एक नंबर यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे एक नंबर डाल करके जो है आपको आगे बढ़ जाना है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी के 45% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप जो है दो नंबर डाल करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपने बीएड किया है 4 साल का तो आप यहाँ पे 3 नंबर डालेंगे, और यहाँ पे अगर आपने स्पेशल एजुकेशन की है तो यहाँ पे आप 4 नंबर डालेंगे, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया है जो कि अब जो है मान्य नहीं है, बीएड जो है वो मान्य नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे 5 नंबर फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीएड वाले जो हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, बट आपका जो प्राइमरी का जो रिज़ल्ट है वो मान्य नहीं होगा। इसीलिए जितने भी डीएड वाले बच्चे हैं वो 1 नंबर, और जिन लोगों के 45% मार्क्स हैं वो 2 नंबर यहाँ पर अपना फिल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम 1 नंबर फिल कर देते हैं। उसके बाद आते हैं 6 to 8, मतलब जूनियर वाली पोस्ट पे। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, मतलब यहाँ पे ये है कि आपको 10+2 वाला जो उसके बाद में जो आपने डीएलएड किया है वो माने नहीं होगा, यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद में आप डीएलएड कर रहे हैं तो आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल माने जाएंगे, 10+2 करके अगर आपने डीएलएड किया है तो आप वैलिड नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके 50% मार्क्स या तो ग्रेजुएशन में हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में हो और आपने साथ में बीएड किया हुआ हो। अपीयरिंग की बात अगर हम करें तो अपीयरिंग में ये रहता है कि आपने अगर एडमिशन ले लिया, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है कि आप फाइनल ईयर में हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा करिए, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब तो आप यहाँ पे लिखा ही हुआ है फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं वही फॉर्म फिल करें, और बाकी अगर आप जो बच्चे सिर्फ टेस्ट के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि हाँ मेरा कितना मार्क्स वगैरह आता है, वो अगर अभी उन्होंने एडमिशन लिया है बीएड में तो वो यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है 45% मार्क्स अगर आपके हैं तो यहाँ पे जिन लोगों के 45% मार्क्स हैं वो 3 नंबर फिल करेंगे। ओके, लेकिन जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो पार्ट वन में भी फिल करेंगे और पार्ट टू में जो भी है वो उसमें भी 1 नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 नंबर फिल कर लेते हैं। करने के बाद में अब हम यहाँ पर आ जाते हैं सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर टू, ठीक है। अब यहाँ पे मैथ आपका है, मैथ साइंस है या फिर सोशल साइंस, मतलब आपने बीए किया है या फिर आपने बीएससी किया हुआ है तो या फिर आपने बीकॉम किया हुआ है। देखिए, बीए जो बीए वाले बच्चे हैं वो तो उनका तो कन्फर्म है कि वो एसएसटी मतलब सोशल साइंस ही लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने बीकॉम किया हुआ है, जिन लोगों ने किया हुआ है बीएससी, वो मैथ एंड साइंस ही यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है डिग्री इन डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री इन एजुकेशन,
ठीक है, ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जो फिल करते हैं, डिप्लोमा एक अलग चीज़ होती है, डिग्री एक अलग चीज़ होती है। डिप्लोमा जो है आप डीलेड जो है उसको डिप्लोमा कहते हैं, और डिग्री जो बैचलर ऑफ एजुकेशन जो बीएड होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम अपना यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन पर, क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर जो है डिग्री इन एजुकेशन पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास दोनों है तो यहाँ पे दोनों अपने आप दोनों को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो डिग्री इन एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे अपनी सेंटर चॉइस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको अगर आप दिल्ली फिल करते हैं, उत्तर प्रदेश फिल करते हैं, आप अपना सिटी फिर आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, और सिटी फिल करने के बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट जो चॉइस है वो उत्तर प्रदेश में ही आप अपना फिल करना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश, या फिर अगर दिल्ली फिल करना चाहते हो दिल्ली, यहाँ पर आपको अपने जो सिटी हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। ठीक है, फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे जो सिक्योरिटी पिन दिया है उस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम करके आगे बढ़ रहे हैं। एग्जामिनेशन डिटेल भरने के बाद में यहाँ पे हम अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हम फिल करेंगे, और इनको बहुत ही आराम से फिल करना है, और एक बार सबमिट करने के बाद में यहाँ पे सबमिट करने से पहले चेक भी कर लेना है, क्योंकि अधिकतर लोगों की यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। कोई डिग्री इन डिप्लोमा कर देता है, कोई डिप्लोमा इन एजुकेशन कर देता है, ठीक है, डिग्री इन एजुकेशन कर देता है, कोई डिग्री इन डिप्लोमा इन एजुकेशन कर देता है। तो इसीलिए इस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स क्या फिल कर रहे हैं। स्पेशली रूप से यहाँ पे आपको फिल करना होगा आपकी डिग्री इन एजुकेशन, मतलब आप बीएड, यहाँ पे अगर आपने बीएड किया है तो बीएड की डिटेल्स फिल करेंगे, या फिर आपने डीएलएड की डिटेल्स आपने फिल करनी है। फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे अपना सिक्योरिटी पिन जो है फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम आपको अपना पास्ट फिल करेंगे, उसके बाद कब आपने यहाँ पे पास किया है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोर्स स्ट्रीम का नेम, मतलब जैसे कि बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है, या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन, यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे हमको अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे रिजल्ट का जो मोड है वो हमको सेलेक्ट करना है। इतना करने के बाद में नीचे जो पिन दिया हुआ है उसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाना है, और एक पॉपअप खुल के आता है यस या नो का, सब में यस ही करना है, नो नहीं करना है। ओके, सारे डिटेल्स भरने के बाद में यहाँ पे हमको अपने फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स। फ़ोटो आपका जो है 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका फॉन्ट है, मतलब जो सिग्नेचर है वो आपका 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 4 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 30 KB होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम जो है 10 KB से कम नहीं होना चाहिए फ़ोटो, और मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना फ़ोटो जो है वो अपलोड करके फिर आगे जो है हम अपने फाइनल सबमिट पे चलेंगे। यहाँ पे आपके फ़ोटो और साइन अपलोड हो जाएंगे। फ़ोटो साइन अप को दोबारा आप देखने के लिए यहाँ पे अपना क्लिक करके अपने फ़ोटो और साइंस को यहाँ पे देख सकते हैं। इतना करने के बाद में हम आपको फाइनल सबमिट कैसे करना है अच्छे से देखिएगा, क्योंकि फाइनल सबमिट करने से पहले भी कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी आपको। यहाँ पे हम अपना सिक्योरिटी पिन फिल करके हम आगे बढ़ते हैं। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में एक ये फाइनल सबमिट पे ये पॉपअप खुल के आता है, जिसमें लिखा है प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लिंक्स प्रोवाइड ऑन द लेफ्ट मेनू बार। मतलब इस साइड में जो आपको आपके जैसे कि डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेशन डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स जो वहाँ पे दी हुई हैं, अगर आपको करेक्शन करना है, आपको एक बार चेक करना है, तो आप यहाँ पे जो लिंक्स दिए हैं उन पे आप जाकर के क्लिक करिए, और वहाँ पे आप अपना जो है करेक्शन कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपके जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं, पर्सनल डिटेल्स दी हैं, अप्लाई फॉर सिटी एंड एग्जामिनेशन सिटीज़ वगैरह जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी हैं, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर दिया हुआ है। इन सभी पे टिक लगने का मतलब ये है कि आपके फॉर्म जो है वहाँ जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पे फिल हो चुकी है। अब यहाँ पे हमको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले हम यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल्स एक बार फिर से चेक करेंगे जो यहाँ पे हमने डिटेल्स भरी हैं। आपके सामने पूरा जो है एक तरीके से एक फ़ाइनल प्रीव्यू का जो है पेज खोल के आ जाएगा, उसको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कोई भी डिटेल्स आपकी गलत है तो यहाँ पे जो है आप अपना, जैसे कि अगर आपने सिटी गलत भरी है तो यहाँ पे सिटी पे आप क्लिक कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम अगर आपने गलत भरा है तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स पे अपना आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब आपने आपका जो एड्रेस अगर आपने वो गलत भरा तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। अगर आपने गलत फॉर्म फिल नहीं किया है तो हम फॉर्म में नीचे आ करके अपना फॉर्म जो है सबमिट फाइनल सबमिट के लिए क्लिक करके अपना फॉर्म हम सबमिट कर सकते हैं। ओके, कैसे करना है चलो देखते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही हैं तो आपको, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के समय में आपके सामने जो ये टिक करने के लिए आए हुए थे, आपको यहाँ पे एक बार फिर से टिक करना है, और टिक करने के बाद में यहाँ पे जो नीचे आई एग्री लिखा हुआ है
यहाँ पे भी आपको टिक करना है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे माय नेम, मेरा नेम सही है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी अप्लाई जो हमने किया है, एग्जामिनेशन सिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पर्सन विद डिसेबिलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, ये हमने सब टिक कर दिए हैं क्योंकि हमारी सारी जो डिटेल्स हैं वो सही फिल की गई हैं। अब यहाँ पर हम अपना एग्री कर देते हैं। एक बार अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप दूसरी बार भी चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपने अगर सबमिट कर दिया तो ये मान के चलिए ना आप दूसरे नंबर से फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपकी सारी डिटेल जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाई जाएंगी। तो इसीलिए फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से, बहुत ही अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि करेक्शन डिटेल्स, करेक्शन डेट्स आती हैं बट फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आपका, आपके फॉर्म में कौन सी चीज़ गलत हुई है फिर आप वहाँ पे आपको करेक्शन करने दिया जाएगा ही, ओके। कई बार करेक्शन नहीं करने दिया जाता है, फिर आप परेशान होते हैं, तो इसीलिए फिर आप एफिडेविट लगाते हैं, ना जाने क्या क्या फिर स्टेप उठाते हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आपका फॉर्म गलत हो ही क्यों, तो इसीलिए फॉर्म को फाइनल सबमिशन करने से पहले एक, दो, तीन बार, जितनी बार भी आप चेक कर सकते हैं चेक करें, ठीक है, और अपने फॉर्म को करेक्शन करके फिर फाइनल सबमिशन की तरफ आएँ। अब यहाँ पर हमको फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में कैसा आपका फेज आता है वो हम आपको दिखाते हैं। फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फिर दो चीज़ें खुल के आ जाएंगी, वो रहेंगे आपके एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने लगता है अभी भी कि आपके फॉर्म गलत तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म सही है तो आप यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस जो है यहाँ पे अपना आप क्लिक करके पेमेंट करके आपका फॉर्म जो है वो पूरा सबमिट हो जाएगा। तो ये रहा सीटेट का फॉर्म कैसे आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म को गलत मत भरिएगा प्लीज़, ओके, ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।